हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज सिखाने जा रही हूँ एक और बेबी कैफ, और ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है। और ये इसको मैंने नीचे से शुरू किया है, ऊपर हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है, ये देखें, ये बहुत ही प्यारी है। और आप बड़ी बनाएंगी तो 72 फिंदे से बनाएंगी, और 0 साइज बनाएंगी तो 58 फिंदे से बनाएंगी। इसी तरह से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 62 फिंदे लिए हैं। 62 फिंदे बनाने के बाद इसी तरह से आप अगर छोटी बनाएंगी तो 58 फिंदे से बनाएंगी, और बड़ी बनाएंगी तो 72 फिंदे से बना लें। जैसे 0 साइज बनाना है तो 58 फिंदे से बनाएं। और हमने ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाई है तो 62 फिंदे में बनाई हुई है। तो अब देखें किस तरह से इसको बनाना है। इस तरह से एक सलाई हमें पूरी सीधी सीधी निकाल लेनी है। तो निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया। अब देखो, इधर से इस वाले फिंदे को उतार लिया। अब यहाँ पे एक फिंदे को सीधा बनाएंगे उल्टी तरफ से। अब इसको उल्टा बनाएंगे, फिर आप ध्यान से देखिएगा, सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा फिर से एक सीधा। पूरी रो में हमें इसी तरीके से करना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इधर से देखें, सीधी साइड से अब इधर पता चल रहा है कि कौन सीधा है और कौन उल्टा है। अब यहाँ पे ये सीधा फिंदा है, अब यहाँ पे उल्टा है तो हम उल्टा बनाएंगे, सीधा है तो हम सीधा बुनेंगे। इसी तरह से आपको बनाना है। आप अपनी मर्जी से चौड़ा और या छोटा कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 2 अंगूर का बनाऊंगी, तो मैं बना लेती हूँ इस तरीके से, फिर मैं आपको आगे की डिजाइन बताती हूँ। ये देखो, बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब ये बॉर्डर देखें, 2 अंगूर मैंने बनाया है। आप इसको 3 अंगूर भी बना सकती हैं और 2 अंगूर भी बना सकती हैं। तो मैंने 2 अंगूर बनाया है। कोई फिंदे को बढ़ाना नहीं है, किसी फिंदे को घटाना नहीं है। इस तरह से हमें इसको अब सादा सादा बुन लेना है। पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इधर से भी देखें, हम उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये दूसरी सिलाई है। इसी तरह से हमें 6 सलाइयाँ और निकालनी है। तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखो, मैंने बना लिया है। 4 सलाई मैंने इधर से निकाली, 4 सलाई इधर से, टोटल 8 सलाई निकाली हुई है सादा सादा। अब मैं डिजाइन बनाऊंगी, और यहाँ पे 62 फिंदे हैं। 62 फिंदे हैं, हमें एक फिंदे को बढ़ाना है क्योंकि हमें इसमें डिजाइन डालनी है। तो डिजाइन में एक फिंदे को कम बढ़ाना है। ये एक फिंदा कम पड़ रहा है, ये देखें। यहाँ पे एक फिंदे को हमने ये पिंक कलर से बना लिया। ध्यान से देखिएगा, पहली रो है उल्टी तरफ से। अब देखें, 2 3 इनको इस तरह से साथ में ले जाना है। 4 5 6 7 8 तो 8 फिंदे हमने येलो कलर से बना लिए।
एक फिंदे को मैं पिंक बनाऊंगी। यहाँ पे एक पिंक बना लिया, यहाँ पे पिंक बना लिया। ये देखें, एक दो तीन, इसको साथ में ले जाना है। चार पाँच छः सात आठ, आठ के बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा खींचते जाना है, नहीं तो यहाँ पे टाइट हो जाएगा। ये देखें, एक पिंक कर लिया, आठ के बाद एक पिंक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ के बाद देखें हमने इस तरह से खींच लिया। पूरी रो में हमें इसी तरह से बनाना है। एक फिंदे को देखो हम इस तरह से बढ़ाएंगे, एक यहीं पे दो, एक फिंदे से दो फिंदे बना लिए, तीन हो गए, चार पाँच छः सात आठ, और ये देखें पिंक। पूरी रो में इसी तरह से, तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें आठ फिंदे, लास्ट में आठ फिंदे बचेंगे इस तरीके से। अब सीधी तरफ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो जैसा कलर बनाया है वैसा ही बुन लेना है। तो बुन लेती हूँ फिर दिखा। ये देखो दूसरी रो मैंने ये कंप्लीट कर ली है सीधी साइड से। अब देखें, अब तीसरी सिलाई है। तीसरी रो में क्या करना है, इस येलो वाले फिंदे को पिंक बना लेना है। अब बीच में देखें सात फिंदे बचेंगे, इसको इस तरह से करते जाएंगे और दोनों तरफ से इसी तरह से करना है, नहीं तो ये बड़े बड़े टांके हो जाएंगे तो बच्चे को इसमें उंगली वगैरह फंसा सकते हैं। ये देखें सात बिन लिए। अब यहाँ पे देखें इधर को जा रही ये डिजाइन, इधर साइड जा रही है ना कि इधर साइड, तो सात फिंदे बिन लिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक और ये दूसरा फिंदा। अब फिर से देखें सात फिंदे, एक दो तीन चार पाँच छः, अब ये देखें सात, सात के बाद दो फिंदे पिंक कलर से, इधर की साइड से हमें एक फिंदे को पिंक कर लेना है। ये देखें अब फिर से हम सात बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब सात के बाद दो पिंक, एक दो, इसी तरह से हमें पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें सीधी साइड, सीधी साइड जो जैसा है वैसा ही बुन लेना है। अब यहाँ पे देखें पिंक है तो इस तरह से हम पिंक कर लेंगे। अब देखें, अब देखें दो फिंदे बना लिए। अब इसको देखें, इस वाले कलर को हम इस तरह से करते जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे बहुत लंबा टांका हो जाएगा। ये देखें दो बिने इस तरह से किया, ये देखें आप ध्यान से देखें। अब देखें दो हम इस वाले कलर के बुन लेंगे, फिर से एक बार देख लें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। दो बना लिए, इसको मैंने इस तरह से रख लिया,
दो बनाए, इसको फिर से देखें, इस तरह से बढ़ा लिया। अब देखें इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से हमने खींच लिया। अब देखें दो फिंदे हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरी रो को बना लेना है। तो बना लेती हूँ, ये देखो हमने ये चौथी रो कंप्लीट कर ली है। अब देखें पांचवी रो, यहाँ पे दो फिंदे, अब तीन फिंदे हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये सारे फिंदे बनाने हैं। अब छह फिंदे बीच में बचे हुए हैं, एक एक करते हुए हमें ये छह फिंदे पूरे पिंक करने हैं। बनाएंगे इसी तरह से। तो मैं बना लेती हूँ, सारे फिंदे पिंक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। अब तीन हो गए हैं, इसी तरह से यहाँ पे नौ फिंदे हो जाएंगे। आठ फिंदे ये, एक फिंदा मेरे पास पहले से था। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने बना लिया है, यहाँ पे सारे फिंदे हमने ये येलो कलर के पिंक कर लिए हैं। तो अब देखें आगे हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखें अब यही वाला कलर लगेगा, दो तीन चार पाँच छ, छः के बाद दो का एक करेंगे, फिर छः, एक दो तीन चार पाँच छ, छः के बाद ये देखें इस तरह से दो का एक करना है, एक दो तीन चार पाँच छ, छः के बाद दो का एक। अब फिर से देखें, एक दो तीन चार पाँच छ, छः के बाद इस तरह से। पूरी रो में हमें इसी तरह से करने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, इसी तरह से कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब उल्टी तरफ से हमें पूरा उल्टे बुनते हुए, उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखें फिर से पांच फिंदे, दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद देखें इस तरह से हमें दो का एक करना है, फिर पांच फिंदे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद इस तरह से। तो इसी तरह से मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पाँच, फिर चार, फिर तीन, दो, एक, इस तरह से आपको करते जाना है। और उल्टी साइड से कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सीधी साइड से हम दो का एक करेंगे यहाँ पे, बाकी फिंदे हम इसी तरह से बुनते जाएंगे। तो कर लेती हूँ फिर दिखा। देखो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो कितने फिंदे बचे, एक दो तीन चार, आठ फिंदे टोटल बचे हुए हैं। अब आठ फिंदे के बाद हम इस तरह से सुई में वूल को प्रो लेंगे। ये देखें, और आठ फिंदे इस तरह से हम इसमें कर लेंगे। ये देखें, और इसको मैं इस तरह से खींच लूंगी, ये देखें, और इसमें से इस तरह से कर दूंगी, ये देखें। अब देखें यहाँ पे इस तरह से सिल लेना है। ये देखें, इसकी फिटिंग बहुत सुंदर आएगी, ये बहुत ही प्यारी कैप लगेगी। अब देखें इस तरीके से आपको सिल लेना है। ये वाली जो कली है वो यहाँ तक आएगी, तो ये कलियाँ बिल्कुल
सुंदर सी लगेंगी सिलने पे, पता भी नहीं चलेगा। और ये देखें, इसी तरह से मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको ये देखो मैंने सिल लिया है इसको। अब देखें इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे, ये देखें। यहाँ पे मैं पोम्पो लगाऊंगी तो ये कैप बनके तैयार हो गई है। देखो मैंने सिल ली है, ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें इधर साइड और ये देखें दोनों तरफ एक जैसा लग रहा है ये।